गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रचना सिंह। बच्चों, आज हम संस्कृत में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पुरुष ज्ञानम। पुरुष का मतलब वो होता है जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में लिंग तथा वचन तीन प्रकार के होते हैं, वैसे ही पुरुष भी तीन प्रकार के माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इस लाइन में बताया गया, जिस प्रकार संस्कृत भाषा में लिंग, लिंग का मतलब होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, और वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो सेम थिंग पुरुष में भी आ गई, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष, जब हम किसी अन्य व्यक्ति के, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ता है तो वह की संस्कृत क्या होगी, सह। अगर दो लोग हैं तो तव प्रयोग होगा। इसी प्रकार जब दो से अधिक लोग होंगे तो ते का प्रयोग होगा। जब हमारा पुरुष फर्स्ट फॉर्म का होगा तो उसके साथ ही क्रिया भी हमारी फर्स्ट फॉर्म की ही लगेगी। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष, हम जिससे बात करते हैं, जो हमारा माध्यम होता है बात करने का, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम की संस्कृत होगी त्वम। तुम दोनों खेलते हो तो युवाम होती है तो संस्कृत जो है तुम दोनों की। और जब बहुत से लोग होते हैं, दो लोगों से अधिक हो गए, तो यूयम शब्द का प्रयोग होगा। तुम सब विद्यालय जाते हो, यूयम विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बात करता है, जो अपने बारे में बताता है, वो बोलने वाला, वही उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं की संस्कृत होती है अहम, और हम दोनों खेलते हैं तो हम दोनों आवाम हो गया, हम दोनों की संस्कृत आवाम होगी। और जब हम सब पढ़ते हैं तो हम सब की संस्कृत होगी वयम, ठीक है। इस लाइन में देखेंगे, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग हो, प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। हमने बताया जब कर्ता प्रथम पुरुष का होगा तो उसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी। तो देखेंगे चैप्टर में, पिक्चर में एक लड़की पढ़ रही है, तो ये पढ़ रही है तो इसकी क्रिया होगी पठति, लेकिन सह वह पढ़ती है तो सह संस्कृत होगी सह पठति, वह पढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बच्चे, तीन बच्चे हैं यहाँ पे, दो से अधिक हैं, तो दो से अधिक जब होंगे तो ते, सब ते पुरुष का प्रयोग होगा, और ते के साथ में क्रिया भी बहुवचन की ही लगेगी। वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। अब आगे देखेंगे, इसी में प्रथम पुरुष के तीन वचनों में बताया गया है, अब पिक्चर के माध्यम से समझेंगे हम आगे। सह अध्यापकः अस्ति, वह अध्यापक है, और वो क्या कर रहा है, अध्यापक है, शिक्षक है, तो इसको ये क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो सह पाठयति, वह पढ़ाता है। अब ये बच्चे खेल रहे हैं, तो दो बच्चे हैं तो तौ बालौ स्तः। हमने बताया था कि जब कर्ता एक वचन या दो वचन का होगा तो क्रिया भी हमारी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी, कर एक वचन और दो वचन की ही लगेगी, ठीक है। तो दो बालक हैं तो तौ बालौ स्तः, वे दोनों बालक हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं तो तौ क्रीडतः, वे दोनों खेलते हैं। अब यहाँ पे हिरण, तीन हिरण हैं, तो हमने बताया दो से अधिक में ते का प्रयोग होगा। वे सब हिरण हैं, ते मृगाः, क्योंकि मृग एक वचन में, मृगौ दो वचन, दो होंगे, और मृगाः बहुवचन, तो एक बहुवचन में कई हिरण हैं तो बहुवचन में मृगाः होगा। तो ते मृगाः सन्ति, वे सब हिरण हैं, और क्या कर रहे हैं हिरण, दौड़ रहे हैं, तो ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। अब मध्यम पुरुष में देखेंगे, मध्यम पुरुष में तुम खादसी, मतलब हमने बताया था कि जो माध्यम होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, तुम खाते हो तो तुम की संस्कृत हो गई तुम खादसी, क्रिया हो गई खाते हो की। इसी प्रकार क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, भोजन खा रहा है, तुम भोजनम खादसी, तुम भोजन खाते हो। नेक्स्ट देखेंगे, युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो दोनों की संस्कृत होगी तुम दोनों की युवाम लिखता, लिखता मतलब लिखत, लिखता लिखा से लिखता, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी लगेगी, तो लिखत ही लिखता इसमें आएगा।
मध्यम पुरुष और द्विवचन की क्रिया है। तो लिखत युवाम लिखता, तुम दोनों लिखते हो। युवाम पत्रम लिखता, तुम दोनों पत्र लिखते हो। इसी प्रकार यूयम सैनिकः, यूयम सैनिकाः स्थ, मतलब यूयम तुम सब सैनिक हो और तुम सब क्या करते हो। यूयम रक्षत, मतलब तुम सब रक्षा करते हो। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में देखेंगे तीनों वचनों में। अहम गायामि, मैं गाता हूँ, ये बच्चा गा रहा है, अपने बारे में बता रहा है। अहम गायामि, मैं गाता हूँ, फिर क्या गा रहा है, गीत गाता है। अहम गीतम गायामि। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आवाम नमामह, नमावह, आवाम मतलब हम सब नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं, आवाम अध्यापकम नमावह, हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, हाँ दो लोगों के लिए, दो बच्चे हैं, हम दोनों नमस्कार करते हैं। आवाम अध्यापकम नमावह, हम दोनों अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अब इसी के बाद लास्ट है, देखते हैं। वयम जिघ्रामः, मतलब हम सब सूंघते हैं, ये बच्चे दो से अधिक हैं, तीन हैं और सब फ्लावर इनके हाथ में है तो ये सूंघ रही हैं। तो क्या लिखा है, वयम जिघ्रामः, हम सब सूंघती हैं। वयम पुष्पाणि जिघ्रामः, हम सब फूलों को सूंघती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन हमने कर दिया। अब आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट डे सेंड की जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर को समझने में तो आप हमसे ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।